मेरे जो फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग करता हूँ, इसका हो गया डेड। स्क्रीन दिख रहा होगा, हाफ हाफ आ रहा है। ठीक है, फोन कर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं फ़िलहाल ऑफिस में हूँ और अब 11:47 हो रहे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे पैकिंग चल रही है और मैं ऑफिस में आ गया हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग काम करना है। जस्ट अभी पहुँचा हूँ क्योंकि 2-3-4 से मैं शाम के टाइम एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम टेबल का कोई भरोसा नहीं। मैं सुबह से प्लान करके चलता हूँ, सुबह यहाँ पे काम नहीं होता तो मैं पहले आके एडिटिंग कर लेता हूँ। जैसे आज फिर आ गया हूँ मैं एडिटिंग काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट सैंपल लेके अपने चाय पत्ती का। जो चाय पत्ती दिखाया था घर पर काफ़ी सारा है, अभी उसका सीज़न है इसलिए उसका सैंपल लेके जाना है मुझे आज़ादपुर साइड। तो उसके लिए टाइम टेबल कब आऊँ कब नहीं कोई भरोसा नहीं। और आज यहाँ का एक पिकअप भी है डिलीवरी का, कल ई कॉम का पिकअप चला गया था डिलीवरी का है, वो मैं किसी और को दे दूँगा वो करवा देगा। यहाँ पे एक और सप्लायर है वो भी सेल करता है ऑनलाइन, तो उसको दे दूँगा, वो मेरे दोस्त है, ठीक है, वो सप्लाई कर देगा। बाकी यहाँ का पहले मेरा काम है एडिटिंग काम ख़त्म कर लेता हूँ जल्द से जल्द। अभी फिलहाल टाइम दिखा देता हूँ कैमरा फ्लिप करके, जस्ट अभी पहुँचा हूँ और अभी बोल रहे हैं 10:50, जस्ट अभी ऑन करा है तो अब जल्द से जल्द हीटिंग स्टार्ट करता हूँ। और कल मैंने दिखाया था मम्मी के लिए जो मैं फ़ोन लेके आया था रेडमी का, मस्त चल रहा है, मम्मी को भी बहुत पसंद आया था। मम्मी का मैंने रिव्यू नहीं लिया था लेकिन आज मैं मम्मी का रिव्यू लूँगा कैसा लगा मम्मी को वो फ़ोन, ठीक है। फिलहाल यहाँ का काम ख़त्म करके घर चलते हैं और जो ऑर्डर आया है मैं वो दिखा देता हूँ। वो मेरे पास ही है, मैं लेके तो आया था, वो मैं दिखा देता हूँ किसका ऑर्डर है। ज़्यादा नहीं, एक ही ऑर्डर है आज। तो वो ऑर्डर है मुन्ना ने करा है बिहार से, छिराया बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑर्डर करने के लिए। ऐसे अगर आपको ऑर्डर करना है आप प्रोडक्ट देखना है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। बाकी मैंने आज घर के प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करे, वो अगर टाइम मिला, अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं घर में जाके ज़रूर दिखाऊँगा। फिलहाल यहाँ का काम ख़त्म करते हैं एडिटिंग का और मेरा एक्स्ट्रा कुछ और भी काम है कि और वीडियो शूट करनी है। मैं सोच रहा हूँ अपना गेमिंग चैनल दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। गेमिंग चैनल मैं खेलता था बट अब ब्लॉग के चक्कर में मैं उसमें एडिट नहीं कर पाता हूँ, टाइमिंग नहीं रह पाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ का काम ख़त्म करते हैं, बाकी अपडेट घर जाकर देता हूँ। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ और वहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया, पिकअप मैंने जो जाना था वो मैंने दे दिया। फिलहाल अभी घर में खाना खा रहा हूँ, खाने में आज बना है मस्त पीले चावल। तो ये पीले चावल और दाल है ये, बस ये खा रहा हूँ गर्मा गर्म। खाने के बाद अभी बज गए 1 और सारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी मुझे मार्केट निकलना है जैसे मैंने बताया था, उसके लिए निकलना है। और नीचे पिकअप वाला आया नहीं अभी तक, वो स्कैन दीदी करवा देंगे। फिलहाल अभी खाना खा के निकलता हूँ मैं जहाँ मुझे सैंपल लेके जाना है। अभी छत पर जैसे मैं 2-3 में डेली चेंज करता रहता हूँ इनका, तो मैं चूहों को छत पर लेके आया हुआ था। इनका घर जो है ये रहा, तो इसको मैं साफ़ सफाई करने के लिए लेके आया था। और इस साफ़ सफाई के बाद जहाँ पे मेरा पिकअप होता है उसको भी साफ़ करना था, वो एरिया भी दिखाता हूँ। फिलहाल इनकी साफ़ सफाई कर दी। फिलहाल अभी इसमें एक ही है, एक नीचे को उसको सो रहा था तो उसको डिस्टर्ब नहीं करा। गर्मी लग रही है, कैसे छाया ढूंढ रहे, आ जा 2 के लिए। तो कुछ अभी ऐसा हाल है, ये काटते रहते तो इनको मैंने पेपर दे दिया, जो मेरा वेस्ट होता है पेपर उसको दे दिया, काटते रहते हैं इनको। फिलहाल जल्द से जल्द साफ़ करता हूँ क्योंकि बहुत तगड़ी धूप आ रही है। तो अभी कुछ ऐसा है, साफ़ करने के बाद दिखा। ये हो गया साफ़, ये कागज और रख देता हूँ, इन्हें काटते रहेंगे ये। और ये चूहा उधर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है, छत पर बहुत धूप है आजकल। तो मैं जल्द से जल्द इनको रख देता हूँ और इसको भी उठा देता हूँ। कहाँ गया ये रहा, ये चढ़ने के लिए कितना बेताब है। आ जा चढ़ा देता उसे, ये ले। बहुत गर्मी है, नीचे लेके जाता हूँ और फिर नीचे वाला भी रूम साफ़ करना है वो भी दिखा देता हूँ। ये है अपनी दुकान जहाँ पे स्कैन होता है, ये माल रखा हुआ है जो रेडी हो चुका है बस। तो काफ़ी गंदा हो रखा है वैसे तो, इसको यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है क्योंकि अभी बज गया टाइम तो हो गया, कुछ आने वाला होगा। तो साफ़ सफाई हो गई और पीछे सारे स्टैंप रखे हुए हैं, बहुत सारे सेलर सारे यहीं पर आके स्कैन करवाते हैं। थक गया मैं, स्कैनिंग हो गई, पिकअप वाला भी आने वाला होगा, ये माल तो रेडी हो गया, अब निकलता हूँ मैं सैंपल लेके काम पे। तो मैं अब अभी छत पे और अभी कैमरे की क्वालिटी थोड़ी कम आई होगी क्योंकि ये मैं मम्मी के फ़ोन से जो मैंने रिव्यू करा था उस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी निकल रहा था और मेरे जो फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग करता हूँ इसका हो गया डेड।
स्क्रीन दिख रहा होगा, हाफ हाफ आ रहा है। तो ये फ़ोन ख़त्म हो गया रियलमी का। ये रियलमी का मैंने फ़ोन लिया था, रियलमी 8। तो इसकी पूरी डिस्प्ले जो फोल्डर है सब ख़त्म हो गए। ये देखो दिख रहा है, तो ये ख़त्म हो गया। कल मम्मी के लिए फ़ोन आया और आज मेरा फ़ोन गया। अभी मैंने अपने आसपास एरिया से पता करा तो फोल्डर बहुत महंगा 8,000 का बता रहे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, प्लान में चेंज हो गया, करोल बाग जा रहा हूँ। पहले मैं अपना ये फोल्डर ठीक कराता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, और ब्लॉग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी निकल रहा हूँ मैं मार्केट, सोच रहा हूँ पहले करोल बाग होके आऊँगा और उसके बाद आज़ादपुर जाऊँगा जहाँ मुझे माल दिखाना है। तो ब्लॉगिंग में भी थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि मम्मी के फ़ोन से कर रहा हूँ। इसकी कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रेट के हिसाब से सारे फीचर्स एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ और मेरा नुकसान हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे मेरी भी गलती है, मैंने इसमें कुछ कवर या डिस्प्ले में फोल्डर कुछ नहीं चढ़ा रखा था। तो अब सीख मिल गई, 100 रुपये का क्या कहते हैं स्क्रीन गार्ड के चक्कर में मुझे पूरा 7-8 हज़ार का नुकसान हो गया। देखते हैं कितने का लेता है फोल्डर, वहाँ पर करोल बाग में सस्ता मिल जाता है, वहाँ पर सारे फ़ोन की मार्केट है। तो अभी निकलता हूँ मैं, अभी वैसे 2 बज गए, 2 से 2:30 हो गए हैं, और नीचे स्कैनिंग चल रही है, स्कैनिंग में करवा रहा था और नीचे निकल गया और ये टूट गया पूरा। अभी दिख भी नहीं रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा धूप के चक्कर में। तो मैं निकलता हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं करता क्योंकि मुझे शाम तक फिर लौट के भी आना है, तब निकलता हूँ मैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर। आज सुबह का प्लान कुछ और था, आज़ादपुर जाने का प्लान था, बट वहाँ से पहुँच गया मैं करोल बाग और मेरा फ़ोन भी ठीक हो चुका है। आज ही ख़राब हुआ लेकिन आज ही ठीक करवा लिया। अभी फ़िलहाल ये ICU में है, इसको रेस्ट के लिए बोला गया है 2 दिन तक। फिलहाल अभी सही वर्क कर रहा है वो, तो बिल्कुल ठीक होने के बाद बाद में चेक करूँगा कैसे काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा। और अभी मैं शाम के 8 बज रहे और घर पहुँच चुका हूँ। खाने के लिए कुछ ले आया था और दीदी निकाल ली नीचे, और भूख भी काफ़ी लग रही है। अभी यहाँ पे भी काम है, आज़ादपुर वाला काम तो हो नहीं पाया, वो कल देखेंगे कैसा होता है। और फिर सदर भी जाना है, कल का कल अपडेट दूंगा। इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, कल मैं आज़ादपुर जाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।